वेलकम टू डेली फैक्ट आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट जो है वो प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है इवन मेंस के लिए भी जो है वो हमें ये हेल्प करेगा विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल डेवलपमेंट अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं तो डिफरेंस डिस्कस करते हैं बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि एप्लीकेबल ये कहाँ पर होगा तो जो फिफ्थ शेड्यूल है अगर हम बात करें तो ये टेन स्टेट्स पर ही अप्लाइड होगा जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूड होता है और रेस्ट नाइन स्टेट्स के आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं देन उसके बाद अगर हम बात करें सिक्स शेड्यूल की तो ये फोर स्टेट्स में अप्लाई होता है आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिज़ोरम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की अगर हम बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल में जो है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है जिसमें जो है वो ट्वेंटी मेम्बर्स होते हैं इसमें फोर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं और सिक्सटीन जो है वो इलेक्टेड होते हैं और अगर हम सिक्स शेड्यूल में बात करें तो यहाँ पर जो है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी या फिर ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल होगी और इसमें मेंबर्स जो है वो थर्टी होंगे जिसमें ट्वेंटी सिक्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं और फोर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं पावर्स की अगर हम बात करें तो जो ट्राइबल एडवाइसरी काउंसिल है इसके पास लिमिटेड पावर होती है ओनली सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर होगी क्योंकि ये जो लजस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की उसने जो है वो बनाई होती है यानी कि ट्राइबल एडवाइसरी काउंसिल को किसने बनाया है लेजिलेटिव असम्बली ऑफ द स्टेट ने तो इसके पास जो है वो मोस्टली एग्जीक्यूटिव पावर होगी लिमिटेड पावर होगी लेकिन जो सिक्स शेड्यूल में जो आपका ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी या ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल होगी इसमें जो है वो आपके पास जो है वो एग्जीक्यूटिव लजस्लेटिव एंड जुडिशल पावर होगी क्योंकि ये पावर्स जो है उसको कहाँ से मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीसा एक्ट यानि कि पंचायती राज का एक्सटेंशन इन टू द शेड्यूल एरियाज नाइनटीन नाइनटी सिक्स में ये एक्ट आया था और जो फिफ्थ शेड्यूल है इसमें है ये जो एक्ट है वो एप्प्लीकेबल होता है लेकिन सिक्सथ शेड्यूल में जो है वो ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा आई होप यफॉर्मेशन आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेलीफेक्ट थैंक यू फॉर टूडे